कई आफत तो नहीं आई? सर हमारे गांव और सरदारपुर तहसील और जिला के सभी गरीब और भाई बहनों के ओर से हम सभी शुभकामना देते हैं, जो हमारे गरीब भाई को मकान मिले हैं उसके सबको तरफ से मैं शुभकामनाएं देता हूं। और जो हमारा मकान बना है हलमा करके, उसमें हमारे गरीब भाई सभी सहयोग करते हैं, तो उसमें मजदूरी हमारे को नहीं देनी पड़ती है, सिर्फ सहयोग करते हैं। जो लॉकडाउन में बंद था तो सभी घर पे ही थे, और जो मजदूर आदमी थे हमारे भाई और बहनों वो भी घर पर ही थे। और उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है? कोई पैसे नहीं, वो सिर्फ शाम को हम उनको खाना खिलाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं या फिर मक्का की रोटी और अच्छी सी दाल बनाते हैं बढ़िया, और प्याज व्याज काट के ने बढ़िया से खिलाते हैं शाम को। प्यारेलाल जी, कभी सोचा था कि आपका एक पक्का अपना घर होगा? विश्वास था कि हमको अवश्य मिलेगा, जैसा सबको मिल रहा है सर वैसा हमको भी मिला। हमको विश्वास है कि आवास हमको भी मिल गया। पहले आपका मकान कैसा था और मकान में क्या सर दिक्कत हमारा था? सर हमारा मकान कच्चा का था, खपड़ेल था, आंधी तूफान में खपड़े उड़ जाते थे, पानी गिरने पर बहुत चूता था, इसलिए बहुत समस्या था। सर हमको आवास मिल गया तो बहुत आनंद आ गया। परिवार में, आस पड़ोस और रिश्ते नाते में इस नया मकान मिला है तो क्या लग रहा है, सबका कैसा माहौल है? पक्का आवास मिलने से श्रीमान मुझे बहुत लाभ हुआ है, आज मेरी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ी है। कच्चा मकान होने से मेरी बेटी की सर्प के काटने से मृत्यु हो गई, माननीय। ओहो, 24 दिन के बाद मेरे क्या हुआ था नरेंद्र जी? कच्चे मकान में श्रीमान महोदय मेरी बच्ची की सर्प के काटने से मृत्यु हो गई, 24 दिन के अंतराल में मेरे बेटे की मृत्यु हो गई, हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा श्रीमान महोदय। कुछ समय के बाद शासन के संबल से मुझे संभलने का अवसर मिला, आवास के साथ समृद्ध पर्यावास की 19 योजनाओं के माध्यम से मुझे उभरने का अवसर मिला। मेरा आपसे निवेदन है, आग्रह है माननीय, मेरी धर्मपत्नी से भी जरूर बात जरूर जरूर बताइए। आपने मेरे को गैस उज्ज्वला के साथ गैस दी है, मेरे को किचन बना है, मेरे को शौचालय भी दिया। मेरा आग्रह है, आपसे निवेदन है बहुत ज्यादा, मेरे घर पे आमंत्रित आए और मेरे हाथ की चाय और पुआ खाए, और आप आमंत्रित स्वीकार करने का आप मेरे को हाँ या ना में जवाब दे। चलिए, आपका निमंत्रण मेरी सर आंखों पर, और मुझे मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूंगा